2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस महासचिव और शिमला ग्रामीण से विधायक विक्रमादित्य सिंह ने शिमला ग्रामीण के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ शिमला में बैठक आयोजित कर 2022 के चुनाव में किस तरह से पार्टी को मजबूत और जीत दिलानी है इसको लेकर मंथन किया। साथ ही क्षेत्र के लोगों की क्या समस्याएं हैं उनको जाना, ताकि क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों को सरकार और विधानसभा में उठाया जा सके। शिमला ग्रामीण से विधायक और कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस को अच्छी जीत मिली है, इसलिए 2022 के चुनावों में भी कांग्रेस को लोक सत्ता में भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी को पंचायत और बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए शिमला ग्रामीण के कार्यकर्ताओं से बैठक की जा रही है, ताकि बूथ और पंचायत में भी कमेटियों का गठन हो सके। पार्टी नगर निगम के चुनावों में भी जीत दर्ज करेगी। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण की हमने बैठक रखी है, जहाँ से मैं विधायक हूँ शिमला ग्रामीण से, जो आगामी 2022 के हमारे विधानसभा के चुनाव होने हैं उसके मद्देनज़र संगठन को मजबूत करने के लिए हमारे सभी पदाधिकारियों की, कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनने के लिए और ज़मीन स्तर पे पार्टी की गतिविधियों को मजबूत करने के लिए आज की बैठक का विशेष रूप से हमने आयोजन किया है। क्योंकि आपने देखा पीछे हमारे पंचायती राज के चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, नगर निकायों के चुनाव हुए और सभी इस इलाके के लोगों का कांग्रेस पार्टी के प्रति एक बड़ा अच्छा रुझान रहा। हमने पंचायत समिति में अपने अध्यक्ष बनाए, नगर परिषद में अपने अध्यक्ष बनाए, अधिकतर जिला परिषद हमारे जीत कराए, शिमला जिला में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने जिला परिषद के। तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान हमें ज़मीन स्तर पर देखने को मिल रहा है और हमने भी विधायक रहते हुए समान विकास इस इलाके में करवाने का दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, हालांकि मैं पहली बारी विधायक बना, हमने कभी भी जो है केवल पार्टी विचारधारा पर विकास कार्य को सीमित नहीं रखा। हमने सब इलाके में जाकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के सोच के साथ लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, जो हमसे हो सका, चाहे वो विधायक प्राथमिकता के माध्यम से हो, चाहे वो विधायक निधि के माध्यम से हो, चाहे वो विधानसभा में आवाज़ उठाने के माध्यम से हो, चाहे वो सरकार के समक्ष, मुख्यमंत्री जी के समक्ष, मंत्रियों के समक्ष आवाज़ रखने की बात हो, हमने उस चीज़ का प्रयास किया है और निश्चित तौर से उसका अच्छा रुझान लोगों में देखने को मिल रहा है। मगर मैं समझता हूँ कि जब लड़ाई लड़नी पड़ती है और जब ज़मीन स्तर पर जाना पड़ता है तो उसके लिए एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। हमारी पूरा संगठन, हमारा पूरा जो परिवार है उसको हमें मजबूत करना है, जो हमारा संगठन का ढांचा है उसे हमने मजबूत करना है और आज उसी के लिए इस बैठक को रखा गया है, ताकि हम आने वाले समय में अपनी बूथ कमेटियां, हमारी पंचायत कमेटियां, उनको हम बनाएं, उनके साथ रेगुलर हमारे इंटरेक्शंस हो समय समय पर। हर महीने में अलग अलग जोन में जाकर अपने जो हमारे पंचायत और बूथ के कमेटी के लोग बनेंगे उनसे हम बैठक करेंगे, वहाँ के जो ज़मीन स्तर की समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उनको हम सुनेंगे, समझेंगे और उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। और मैं ये विश्वास के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगले विधानसभा के चुनावों में शिमला ग्रामीण ही नहीं मगर पूरे शिमला जिला में, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा और हम कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाएंगे। उसके लिए उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है और हमने आज से ही उस पर जो है प्रण लेकर ये निर्णय लेना है कि हमने 2022 में जो ये जन विरोधी भाजपा की सरकार है, जो कहती कुछ है करती कुछ है, अभी भी जो है बजट 2021 का मुख्यमंत्री जी 6 मार्च को जो है वो विधानसभा में देंगे, उसमें केवल और केवल जुमले होंगे, इसके अलावा और हमको कोई उम्मीद इस बजट से नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले जो 3 बजट मुख्यमंत्री जी दे चुके हैं, ना तो उसमें आपका कोई एयरपोर्ट बने, ना उसमें आपका जो है नेशनल हाईवे अभी तक बनकर तैयार हुए हैं, ना ही उसमें अभी तक रोजगार की बात की गई। आज 20 लाख रोजगार का आंकड़ा प्रदेश के अंदर पहुंच चुका है। हमारे बागवानों और किसानों की क्या हालत है उसका आपने कल, पिछले कल जो कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन गुमा में रहा, कोटखाई में, उसमें देखा कितना जन सैलाब निकल कर आया है। तो निश्चित तौर से हर फ्रंट पे ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। डबल इंजन की बात करती है, केंद्र से कोई मदद सरकार को, प्रदेश को मिल नहीं रही और हर महीने जो है हजार हजार करोड़ के लोन इस सरकार को लेने पड़ रहे हैं।
इनकी केवल एक उपलब्धि है सरकार की कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश को पूरी तरीके से जो है वो ऋण के बोझ के नीचे जो है वो दबा दिया है। तो निश्चित तौर से ये बजट भी केवल और केवल जुमला होगा, लोगों को खुश करने की प्रक्रिया होगी, मगर हमें लगता है कि ये सरकार से ज़्यादा हमको उम्मीद रखने की आवश्यकता नहीं है। पिछले कल हिमाचल प्रदेश सचिवालय में जिस तरीके से वहाँ पे जो फोर्थ क्लास के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने जो अपनी मांग वहाँ पे रखी, उनका उन्होंने वहाँ पे प्रदर्शन किया और कहा कि सरकार उनकी आवाज़ को नहीं सुन रही है, अफसरशाही उनकी सरकार को नहीं सुन रही है। तो जब सरकार अपने सचिवालयों के सचिवालय के अधिकारियों की आवाज़ को नहीं सुन रही या वहाँ के जो कर्मचारी है उनकी आवाज़ को नहीं सुन रही, तो प्रदेश की जनता तो बहुत दूर की बात है। मैं उन कर्मचारियों को भी ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ को हम विधानसभा में जो है वो आने वाले समय में उठाएंगे और जो अन्याय आपके साथ सरकार द्वारा किया जा रहा है या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है उसका जवाबदेही हम विधानसभा में जो है वो सरकार से सुनिश्चित करवाएंगे। नगर निगम चुनाव है सर, और आपको प्यारे टीवी के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।